क्या आपको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है? क्या आपके सीने में जलन होती है जो भोजन करने के बाद कुछ घंटों तक लगातार रहती है? क्या आपको खट्टी डकारें आती हैं? क्या आपके मुंह का स्वाद कड़वा रहता है? क्या आपका पेट फूलता है? क्या आपके सिर और पेट में दर्द रहता है? अगर ऐसा है तो ये एपिसोड आप जरूर देखिए। हेलो एंड वेलकम टू द जीवा हेल्थ शो। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त शेफाली बग्गा। आज हम बात करेंगे हाइपर एसिडिटी के बारे में। फ्रेंड्स, दुनिया में शायद ही ऐसा कोई इंसान हो जिसे कभी एसिडिटी की प्रॉब्लम हुई ना हो। लेकिन जब एसिडिटी आपको बार बार होने लगे, सीरियस हो जाए, तो सीरियसली लेने वाली बात है। क्या है एसिडिटी का उपाय और ट्रीटमेंट, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं एक ऐसे जाने माने डॉक्टर जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में आयुर्वेद की अहमियत, उसका रेलेवेंस और उसकी साइंटिफिक ट्रीटमेंट का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपका अभियान है कि ऑथेंटिक आयुर्वेद, सही और साइंटिफिक आयुर्वेद पहुंचे घर घर, जिससे नेचुरल हेल्थ हो घर घर। वो हैं डॉक्टर चौहान। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू डॉक्टर चौहान। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूं जी। चलिए हम शो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हाइपर एसिडिटी के बारे में। व्यूअर्स, डॉक्टर चौहान हमारे बीच मौजूद हैं और ये जो कॉमन प्रॉब्लम है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, आइए इस पर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको एसिडिटी रहती है या फिर उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम रहती है, तो आप जीवा आयुर्वेद में संपर्क कर सकते हैं। वीडियो कॉल पे अपना पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट ले सकते हैं। पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेद। जीवा सेहत का नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। डॉक्टर चौहान, मेरा आपसे ये सवाल है कि एसिडिटी और हाइपर एसिडिटी में क्या फर्क है, और किसी को कैसे समझ में आ सकता है इसका अंतर क्या है, और कैसे पता चलेगा कि उसे हाइपर एसिडिटी हुई है? देखिए, बहुत अच्छा विषय है। जैसे आपने कहा कि शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसको कभी एसिडिटी नहीं होती है। एसिडिटी का सिंपल अर्थ है कि किसी जगह पर जब एसिड मौजूद हो उसको एसिडिटी बोलते हैं। आयुर्वेद में इसको अम्ल पित्त के नाम से लिखा गया है, यानी कि पेट में नॉर्मल से अधिक जब एसिड बनने लगता है तो उसको कहते हैं अम्ल पित्त। नॉर्मली पेट में एसिड बनता है, वो क्या काम करता है? हमारे भोजन को पचाने का काम करता है, उसके लिए आवश्यक होता है। लेकिन गलत खान पान से या स्ट्रेस के कारण या गलत जीवन शैली के कारण जब ये अधिक हो जाता है, अधिक बनने लगता है, तो हाइपर एसिडिटी होगी। तो उसके कारण क्या होगा, आपको पेट में जलन होती है, नाभि के ऊपर अक्सर जलन होती है, पेट में दर्द भी हो जाता है, कभी कभार जो है ऊपर गले में, यहाँ तक गले तक आपको जलन आती है, और पेट में भारीपन, भोजन जो है खाने की इच्छा नहीं होती, कई बार ऐसा लगता है कि वॉमिटिंग आएगी, आपका पूरा ये जो चेस्ट वाला एरिया है यहाँ पर जकड़ाहट कई बार हो जाती है, पेन भी हो जाता है, कई लोगों को लगता है शायद हार्ट अटैक होने वाला है, और उसमें इरिटेशन होती है। ये सब लक्षण यदि आपको हो रहे हैं तो बिल्कुल आपको जो है चिंता करने का विषय है। हाइपर एसिडिटी आपको हो गई है, हल्के में नहीं लेना है, तो आपसे निवेदन है थोड़ा ध्यान से सुनिए। बहुत सारी चीज़ों के बारे में, एसिडिटी से संबंधित बहुत सारे विषयों के बारे में आज आपसे हम चर्चा करने वाले हैं। जी डॉक्टर, इसका सॉल्यूशन क्या है, मतलब जीवा में इसका क्या ट्रीटमेंट है, और इसके समस्या ये जो है इतनी बड़ी, इसके समाधान में जीवा का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है? देखिए, जीवा में जब हम कोई भी काम करते हैं, आपको ये मालूम है कि सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कौन से सिस्टम में प्रॉब्लम है। तो ये पाचन तंत्र है हमारा, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें जो है रोग है। और जीवा का ट्रैक रिकॉर्ड आपको मालूम है, पूरे विश्व से लोग आते हैं, भारत के नहीं, पूरे विश्व के लोग। और जहाँ तक डाइजेस्टिव सिस्टम के जो हम अगर बात करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अगर मैं आपको पिछले 3 साल का डेटा आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ, जैसे तो 45,722 पेशेंट हमारे यहाँ पिछले 3 वर्ष में केवल डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित रोगों के आए हैं, उसमें हाइपर एसिडिटी के भी बहुत बड़ा नंबर है। इसमें रिलीफ का अगर हम देखें, आपको मैं पहले से जो बताता हूँ ये मैं डेटा के आधार पर आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। अगर एक्यूट यानी कि अभी रोग आपका शुरू हुआ है और शुरू में ही आप अगर हमारे यहाँ आ जाते हैं तो इंस्टेंट रिलीफ, मतलब 15-20 दिन में आप ठीक हो सकते हैं। और जो क्रॉनिक हो जाते हैं लोग, 6 महीना पुराने, 1 साल पुराने, 2-3 साल पुराने, पहले महीने के अंदर उनको कम से कम 90% रिलीफ, ये मैं डेटा के आधार पर आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। हमारे यहाँ जो रिलीफ फैक्टर जो हम जो ट्रैक करते हैं, और मोस्ट केसेस, जितने भी पुराना केस हो चाहे कैसा भी हो, ये एसिडिटी की मैं बात करता हूँ, हाइपर एसिडिटी की,
लगभग 3 से 4 महीने में लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो बहुत अच्छी आपके लिए एक ये न्यूज़ है। तो हम तो बार बार आपसे यही निवेदन करते हैं कि आप अपने रोगों को नेचुरल तरीके से, आयुर्वेदिक तरीके से ठीक करेंगे तो उसके 2 फायदे होंगे। नंबर 1, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। नंबर 2, आपका रोग जो है वो मूल जो उसका जड़ है वो बिल्कुल ठीक होगी, और जब जड़ ठीक होगी तो रोग आपका वापस नहीं आता है उसके बाद। तो दोस्तों, हाइपर एसिडिटी को दूर करने के लिए जरूरी है पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट, जिसकी हम बात कर रहे हैं। पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेद। अपने पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए आपके नजदीकी जीवा क्लिनिक्स में, या फिर कॉल कीजिए सेहत के नंबर पर। कॉल नाउ ऑन सेहत का नंबर जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो आज ही 8860104040 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। आज हम बात कर रहे हैं हाइपर एसिडिटी के बारे में, उसके बारे में आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक वीडियो कॉलर के सवाल लेने का। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं डॉक्टर कमलेश चंद्र गुप्ता फरीदाबाद से बोल रहा हूँ। मेरी उम्र 69 ईयर्स है। वैसे तो मुझे कई सारी बीमारी हैं, लेकिन क्रॉनिक मुझको बीमारी है वो डायबिटीज़ की है। सुबह शाम 3-3 गोलियाँ खा रहा हूँ। मुझे वीकनेस काफ़ी हो जाती है, चक्कर भी बहुत आते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आयुर्वेद में इसका इलाज संभव है? मैंने सुना है कि इसका इलाज संभव है, तो मैं आपसे कृपया इसका रेमेडी जानना चाहता हूँ। जी डॉक्टर गुप्ता जी, आपने बिल्कुल सही सुना है कि डायबिटीज़ का इलाज आयुर्वेद में संभव है। और केवल डायबिटीज़ का ही नहीं, जितने भी रोग हमारे शरीर में आते हैं, क्योंकि आयुर्वेद भी एक चिकित्सा शास्त्र है, एक मेडिकल सिस्टम है, और बहुत पुराना मेडिकल सिस्टम है। आपसे मेरा केवल इतना निवेदन है, आपने कहा कि बहुत सारी आपको प्रॉब्लम्स हैं और उसमें डायबिटीज़ को आपने फोकस बनाया, बिल्कुल सही आपने समझा। क्योंकि डायबिटीज़ जब होती है किसी को, तो केवल वो ब्लड शुगर कंट्रोल करने से बात नहीं बनती, मैं बार बार समझाता हूँ आपको। उसके साथ साथ बहुत सारा नुकसान हमारे शरीर में हो रहा होता है, कमजोरी आ रही होती है, अलग अलग जो हमारे टिश्यूज़ हैं बॉडी, जिनको आयुर्वेद में धातु बोलते हैं, वो कमज़ोर होते हैं। आपके शरीर में जो मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं, इवन जो आपके ब्लड में जो है वीकनेस आती है, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आती है। और उसके आगे अगर जाएंगे तो किडनी ख़राब होती है, हार्ट में प्रॉब्लम आती है, आँखें ख़राब हो जाती। आप फरीदाबाद में ही रहते हैं, आपसे मेरा निवेदन है कि एक बार फिज़िकली जो है हमारी क्लिनिक में आ जाइए। लेकिन आपको मैं 2-3 चीज़ें यहाँ बता रहा हूँ, और ये आपके माध्यम से सभी दर्शकों को बता रहा हूँ। अगर आप डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, तो नंबर 1 जो है, रात को 1 चम्मच मेथी दाना, आपके घर में होता ही है, मेथी दाना 1 गिलास पानी में रात को भिगो दीजिए। सुबह जो है ये पानी आपको पीना है खाली पेट, और साथ में मेथी दाना भी आप खा लीजिए। प्लस एक बार हमारे डॉक्टर से मिलिए, ताकि आपका पूरा एनालिसिस करेंगे, और उस एनालिसिस के बाद आपको पर्सनलाइज्ड दवाई दी जाएगी। जी हाँ, आयुर्वेद में ये संभव है कि आपके जो पुराने से पुराने रोग हैं वो भी जो है ठीक हो सकते हैं। और जीवा तो इस चीज़ के लिए जाना जाता है पूरे विश्व में, कि जितने भी क्रॉनिक और जितने भी सो कॉल्ड इनक्योरेबल डिजीज़ वाले जो पेशेंट हैं, हमारे यहाँ तो सेंटर फॉर इनक्योरेबल डिजीज़ हम चलाते ही हैं अलग से, जिसमें हमारे सीनियर डॉक्टर्स की टीम यही काम करती है कि जिसका कहीं इलाज ना हो, वो जीवा में जब आता है तो उसके ऊपर बाकायदा हम प्रॉपर एक डिस्कशन करके, शास्त्र में क्या लिखा है, मॉडर्न साइंस में क्या रिसर्च हुई है, आयुर्वेद से हम कैसे कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें जब इकट्ठी होती हैं तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। इतनी सुविधा आपको दी है, तो केवल एक कॉल करिए, बाकी काम हमारा है। जी डॉक्टर चौहान, मेरा आपसे एक और सवाल है कि क्या अगर हम अपना डाइट और अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लें तो हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है? और क्या कुछ खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये बता दीजिए। बिल्कुल बताता हूँ आपको, और मैं सभी को बताता हूँ बार बार कि आयुर्वेद में आहार और विहार, ये 2 शब्द आपको अच्छी तरह से समझ लेने चाहिए। हैं तो थोड़े टेक्निकल, लेकिन मैं सरल भाषा में बताता हूँ। आहार का मतलब होता है जो कुछ आप खाते हैं, और यहाँ पर जब हम खाने की बात करते हैं, नॉट ओनली जो मुँह से खाते हैं, आँख से क्या देख रहे हैं, कान से क्या सुन रहे हैं, ये भी आपका आहार है। विहार क्या है? ये आपका जीवन शैली है, लाइफस्टाइल है, कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, क्या एक्सरसाइज करते हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं डेफिनेटली केवल हाइपर एसिडिटी का नहीं, जितने भी रोग आपके होते हैं, आयुर्वेद में तो सबसे बड़ा कारण तो यही लिखा है। और आज तो मॉडर्न साइंस भी ये मान रही है कि नंबर 1 कॉज ऑफ आवर डिजीज इज़
फूड एंड लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आपने नाम सुना होगा, तो इसमें हमें डेफिनेटली बदलाव करना होगा। रोग को जो है ठीक करने के लिए हमें क्या करना है, आपको देखना है कि क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी। आजकल लोग डाइट पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं। कितने ही लोग हैं जिनको एसिडिटी होती है, वो एक गोली तो खा लेते हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात करते हैं कि वो एक गोली खाते हैं, 5 मिनट बाद चाय पी लेते हैं। बहुत लोग हैं ऐसे, आप में से भी होंगे, गोली सुबह खाली पेट ली, बाद में चाय पी ली, आग लगी हुई है पानी डाला वो तो समझ में आया, लेकिन फिर पेट्रोल भी डाल रहे हैं। इसीलिए जीवा में हर पेशेंट को पर्सनलाइज डाइट दी जाती है, डाइट चार्ट उसको समझाया जाता है और उसके साथ लाइफस्टाइल रिलेटेड सजेशंस उसको दिए जाते हैं। बहुत क्लियर डिस्क्रिप्शन हम आपको देते हैं क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या चीज़ कभी कभी खा सकते हैं, कौन से फल, कौन सी सब्जियाँ, कौन से मसाले, इसके अलावा रेसिपीज़ भी आपको बताते हैं। एक डिटेल्ड डाइट चार्ट आपको जीवा में मिलता है, और जीवा में केवल मेडिसिन ही नहीं, ये डाइट चार्ट भी पर्सनलाइज्ड होता है, और भी आपके साथ जो हमारे फॉलोअप के जो कोच होते हैं, हेल्थ कोचेस, पूरा आपका रिलीफ ट्रैक करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये एक हमारा एक सैम्पल है हाइपर एसिडिटी के डाइट चार्ट का, ये देखने से आपको मालूम चल जाएगा कि कितना डिटेल्ड काम हमारे यहाँ पर होता है। ऐसा नहीं कि आप आए और हमने आपको एक गोली दे दी या कोई चूर्ण दे दिया या कोई ऐसी दवाई दे दी कि बस ये खा लो और आपको भूल जाए, ऐसा नहीं। आपको हर तरह से, हर प्रकार से, जिसको कहते हैं ना 360 डिग्री, आपको कवर करते हैं और कवर करके आपके रोग को ठीक करते हैं। ये जीवा का तरीका है काम करने का। अब आज के टॉपिक हाइपर एसिडिटी से जुड़ा हुआ मेरा एक और सवाल है आपसे कि क्या अगर कोई मरीज है, जैसे उसको हाइपर एसिडिटी की बहुत सालों से प्रॉब्लम है, तो जीवा में कितने महीनों में उसका इलाज हो जाएगा? देखिए, मैंने आपको जैसे शुरू में भी बताया कि रिलीफ जो है बहुत जल्दी आता है, और जीवा में तो ज़्यादातर लोग जो हैं, प्रॉब्लम हम आपके साथ ही बार बार शेयर करते हैं कि आप लोग लास्ट में आते हैं, क्रॉनिक कंडीशन में आप लोग आते हैं, और क्रॉनिक कंडीशन में जब आते हैं तब भी जो है, मैंने आपको शुरू में रिलीफ का डेटा दिखाया था, तब भी 3-4 महीने में ठीक हो जाते हैं लोग। और जीवा में जो है सभी डॉक्टर्स वेल ट्रेंड हैं, साथ में हेल्थ कोचेज होते हैं, अगर क्लिनिक पर जाएंगे वहाँ भी हमारा जो क्लिनिकल स्टाफ है वो बहुत ट्रेंड है सब चीज़ों में। हमारी जो फार्मेसी है जहाँ पर दवाइयाँ बनती हैं, वो पूरा WHO का स्टैंडर्ड हम फॉलो करते हैं, शास्त्रीय विधि से प्योर आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाते हैं। आपके साथ मैं एक केस स्टडी यहाँ पर जो शेयर कर रहा हूँ, ये जो हाइपर एसिडिटी का ही केस है, 10 साल पुराना केस था, वीडियो कंसल्टेशन से इसने हमारे सेंटर में जो है कॉन्टैक्ट किया। और अच्छी बात यह, देखिए आपने पूछा था कि कितनी जल्दी आप ठीक कर सकते हैं, 10 साल पुराना केस 7 महीने में ठीक हुआ। जब ये हमारे पास आया था तो एसिडिटी तो थी इसको, यानी कि जलन, छाती में जलन जिसको बोलते हैं आम भाषा में, गैस भी बनती थी, खट्टी डकारें पूरा गले तक आता था इसको, साथ में इसको कॉन्स्टिपेशन भी थी, और एक चीज़ इसको सिर दर्द बहुत तेज़ होता था। आप सभी को भी मैं बता दूं, एसिडिटी यहीं तक सीमित नहीं रहती है, आपको सिर में दर्द कर सकती है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो 5वें महीने में, जैसा कि आप देख रहे हैं स्लाइड में यहाँ पर, 5वें महीने में इसको आराम आना शुरू हो गया। और आप बिल्कुल ये ध्यान रखिए कि दवाई इसने बिल्कुल रेगुलर खाई है। आप सभी से भी मैं बार बार निवेदन करता हूँ कि जब आप आयुर्वेदिक दवाई शुरू करें, कम से कम 3-4 महीना इधर उधर मत देखिए, बिल्कुल जो कुछ भी आपको डायरेक्शंस दिए हैं वही डायरेक्शन फॉलो करनी है, तब आपको आराम आएगा। और 7 महीने में इसका रोग बिल्कुल ठीक हो गया, और फिर उसके बाद हमने दवा भी इसकी बंद कर दी। तो ये आयुर्वेद की शक्ति है, आयुर्वेद की पावर है, आप सभी इसको जो है, इसका जो है यूज कर सकते हैं, आयुर्वेद को प्रयोग करके अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। चलिए आपको मैं बता दूं दोस्तों कि अगर आप हाइपर एसिडिटी या किसी भी दूसरी बीमारी या हेल्थ इशू से परेशान हैं, तो आप जीवा आयुर्वेद के डॉक्टर्स की हेल्प ले सकते हैं। आप जीवा आयुर्वेद के नज़दीकी हेल्थ क्लिनिक्स में जा सकते हैं, या फिर आप जीवा सेहत के नंबर पर कॉन्टैक्ट करके वीडियो कॉल या वॉइस कॉल द्वारा पर्सनलाइज इलाज ले सकते हैं, जहां पर आपको सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा। तो आज ही 88-60-10-40-40 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। डॉक्टर, एक और सवाल मैं पूछ लेती हूँ, आखिरी सवाल है मेरा, कि अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है और हम केमिस्ट के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमें दवाई दे दो उस चीज की, तो केमिस्ट या डॉक्टर एक दवाई जरूर लिखता है, वो है एसिडिटी की, एंटासिड जरूर देता है, ऐसा क्यों?
देखिए, ये भी अच्छा प्रश्न है और इसको जरा सोचने की बात है, आपको भी थोड़ा चिंतन करना चाहिए इसके ऊपर कि क्यों देते हैं वो। क्योंकि जो भी दवाई दी, चाहे आपको पेन किलर दिया या एंटीबायोटिक्स दी या कोई और इन्फेक्शन के लिए आपको दवाई दी, क्योंकि ये दवाइयाँ आपके पेट में जा करके गर्मी करती हैं। सरल भाषा में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यानी कि एसिडिटी को बढ़ाती हैं, कॉन्स्टिपेशन को बढ़ाती हैं। लेकिन आयुर्वेद में ये चीज़ नहीं है। आयुर्वेद में जो है, क्योंकि हमें मालूम है कि कहाँ पर टारगेट है और कहाँ पर हमें हिट करना है, इसलिए जो है आयुर्वेद में हम बिल्कुल इस तरह का कुछ नहीं करते। जो रोग है उसी की चिकित्सा करते हैं। और इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि आयुर्वेद से जुड़िए, अपने आप को स्वस्थ बनाइए नेचुरल तरीके से। और ये जो छोटी मोटी सी जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि एसिडिटी है, पेट में गैस है या पेट में आपको कोई अपच होता है, इसके लिए आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स जीवा में बहुत सारे उपलब्ध हैं। ये तो सभी के घर में होने चाहिए। डाइजेस्टॉल, मैं बार बार आपको कहता हूँ, बहुत टेस्टी चूर्ण है। अगर आपको गैस एसिडिटी होती है, जीवा का लवण भास्कर चूर्ण बहुत अच्छा है। कभी कभी आपको कब्ज हो जाती है, पेट साफ नहीं होता, मुक्ति चूर्ण जरूर रखना चाहिए आपको घर में। और आंवला जूस, एलोवेरा जूस, ये सब आपके पेट से संबंधित जो है अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं। इनको आप जब प्रयोग करेंगे तो आपको एक महीने के अंदर जो है अपने पाचन तंत्र में बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगा। तो आयुर्वेद से जुड़िए, स्वस्थ हैं तो भी आप इन प्रोडक्ट्स को ज़रूर ऑर्डर करके हमारे ऑनलाइन स्टोर से अपने घर में रखिए, क्योंकि कभी ना कभी छोटा मोटा गलत खाने से भी हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है, तो वो रोग आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इसलिए ये प्रोडक्ट्स आपके लिए हमने बनाए हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, प्रोडक्ट्स बताने के लिए और हमारे सारे सवालों के जवाब बहुत ही सरल तरीके से देने के लिए। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय में देने के लिए। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप भी वीडियो कॉल के द्वारा पर्सनलाइज इलाज लेकर अपनी समस्या को जड़ से दूर करने का मौका पा सकते हैं। पर्सनलाइज आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेद, याद रखिए। तो नोट कीजिए सेहत का नंबर जो कि आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के बारे में या जीवा प्रोडक्ट के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप 24/7 जीवा आयुर्वेद में संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर प्रताप चौहान और उनकी पूरी टीम आपकी मदद करने के लिए किसी भी समय तत्पर है। तो आज ही 8860104040 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। चलिए अब आप अपनी होस्ट और दोस्त को दीजिए इजाजत, इस होप के साथ कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे और कोई भी इलाज या फिर दवाई डॉक्टर की एडवाइस के बिना नहीं लेंगे, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन टेक केयर।